सर, अभी पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट खुला था, वुमेन मिल्क बैंक, यानी औरत का दूध जो है, जिन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं होता तो वो दुकान से जाके परचेज करके पी सकते हैं। क्या वो सही है, गलत है? सही है। तो अभी एक पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट खुला था, वुमेन मिल्क बैंक, वुमेन का बैंक जो होता है, जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, इसी तरह का एक मिल्क बैंक खुला है, ठीक है? क्या वो सही है, गलत है, आप बताइए जी। जिसने जो खोलना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, ये खोलना नहीं चाहिए। शरीयत में हलाल है, हराम है? हराम है जी, हराम है, हराम है। गलत, अगर किसी बच्चे को माँ का दूध नसीब नहीं हुआ, अगर वो दुकान से ले लेगा तो ये हराम है। तो अभी एक पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट खुला था, वुमेन मिल्क बैंक, वुमेन का बैंक जो होता है, जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, इसी तरह का एक मिल्क बैंक खुला है, ठीक है? क्या वो सही है, गलत? सर, एक बात बोलूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही इसलिए नहीं है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर जिस तरह हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, कोई भी उसको ले जाता है तो ये मसला नहीं होता ना। तो जिस तरह ये अगर किसी औरत का दूध जो है वो मार्केट में बिकेगा, ठीक है, तो कोई भी बंदा उसे ले जाएगा और उसमें फिर ये पता नहीं चलेगा जब उसके बाद उसके लड़के लड़की जो भी उसे पिएगा ना, उसका रिश्ते नहीं होंगे। साइड इफेक्ट तो उसका ये है क्योंकि वो जो है ना, दो शरीक भाई बहन बन जाएगा, दो शरीक भाई बहन जाए, जिसकी वजह से रजाई भाई हो गया, रजाई भाई हो गया ना, तो जिस तरह फिर बाद में रिश्ते बनेंगे तो वो अगर जनरेशन होंगे तो हराम होंगे, उनका जो नस्ल आएगा तो वो हराम होगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये आप कहते हैं शरीयत में ये चीज़ हराम है? बिल्कुल हराम है, कुरान मजीद से भी ये वाजिब है कि जो दूध पीते जो बच्चे उनके आपस में निकाह नहीं होता, कुरान मजीद में ये बस वाजे है। तो मेरा तो ये कहना है, तो आपका कहना ये है कि ये खुलना नहीं चाहिए? खुलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर ये पता नहीं चलेगा कि इन्होंने एक ही माँ का दूध पिया, तो वो तो दोनों भाई बहन हो गए ना, तो जब बाद में एज ए फ्यूचर उसमें उन दोनों का निकाह होगा तो पता तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना मौकफ दिया, आप बताइए जी। इसने जो खुलना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, ये खुलना नहीं चाहिए। शरीयत में हलाल है, हराम है? हराम है जी, सबका हराम है जी, कोई दूसरी राय नहीं है इसके अंदर? नहीं जी, पक्का जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इसने जो खुलना चाहिए या नहीं? नहीं 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 चाहिए, गलत। अगर किसी बच्चे को माँ का दूध नसीब नहीं हुआ, अगर वो दुकान से ले लेगा तो ये हराम है? सर, हराम है, सर हराम है, हराम है, हराम है। उसके सर और भी बहुत ज़्यादा तरीके, बंदा जो है जिस तरह अभी तो मतलब इंटरनेशनल दौर है और तरक्की कर रही है, जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि किसी के माँ का दूध जो है वो मार्केट में बिकेगा। वो जो है जिस तरह पाउडर मिलाते हैं, जिस तरह फीडर में, लाजिम तो नहीं है कि उसके बाद तो जो फ्यूचर आएगा उसमें तो फिर निकाय जो नस्ल आएगा वो फिर जो है ना हराम होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल भाई, ये शरीयत में हराम है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा पाकिस्तान में ना खुले, ठीक है भाई? जज़ाकअल्लाह।